एक दफा पत लो दौलतपुर से फुरपुरी नगर वापस आ रहा होता है। जी हाँ, वो दौलतपुर से भीम से मिलने किसी काम के गरज गया हुआ था। रस्ते में उसे थकावट महसूस होती है तो वो वही कुछ देर आराम कर लेता है। दरअसल वो कुछ अरसा पहले भीम से मिलने अपने दोस्त मोटू के शुगर के लिए गया हुआ था, क्योंकि डॉक्टर चटका ने उसे कहा था कि आप इसके लिए कोई ऐसी मीठी चीज लेके आओ जो समोसे के बराबर हो। क्योंकि मोटू का शुगर लेवल लो हो चुका था तो जिसकी गरज वो भीम से लड्डू चोरी करने गया था। तो जब वो भीम को मिला तो उसने चोरी छुपे चुटकी के बैग से कुछ लड्डू छुपा लिए थे। यूं वो वापस आ रहा था। रास्ते में वो थक जाता है तो फिर दोबारा उठ खड़ा होता है। लेकिन रास्ते में जो ही उसकी नजर फुरपुरी नगर पर पड़ती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल तबाही और खलबली मची होती है। इंसान तो इंसान, न जिन न ब्रिन न हैवान कुछ नजर नहीं आ रहा होता। मारे परेशानी के मोटू का दोस्त जो पतलू है वो परेशान हो जाता है। वो इधर देखता है उधर देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। हालांकि वो काफी देर रहता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। परेशानी के आलम में पतलू को काफी भूख भी लगी होती है। उसके सामने बड़े मट्टी दरअसल हुआ ये था कि कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले, जब पतलू यहाँ नहीं था, एक बहुत तूफानी बारिश हुई थी जिसकी वजह से सैलाब ने पूरा का पूरा फुरफुरी नगर उड़ा दिया था और मकान जो थे वो जेरे आब आ चुके थे और बाद में वो मिट्टी के ढेले बन गए। अब वो मिट्टी के ढेले पतलू को समोसे की तरह लग रहे थे। पतलू का दिल उलझा रहा था कि समोसे खाए, मगर समोसे देकर उसे अपने दोस्त मोटो की भी याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है। ताहम ज्यादा भूख की वजह से वो चक्कर खाकर नीचे गिरता है। नीचे गिरते गिरते पहाड़ी से वो पानी में जा गिरता है। पानी में तैरते हुए वो एक दफा पत्थर के सहारे किनारे को लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता और यूं बेचारा मर जाता है। Yeah.